नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज खबर कासगंज से। सहावर के ग्राम जौहरी ब्लॉक सहावर के मनरेगा में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के बिना हो रहा कार्य, जिलाधिकारी के पालन का हो रहा उल्लंघन। रोजगार सेवक मोहित मिश्रा और सेक्रेटरी मंजुल चलवा रहे हैं मनरेगा, कोई भी नियम का नहीं हो रहा पालन और कुछ लोगों को मिल रहा है कार्य, बाकी लोग बिना काम के घूम रहे हैं। फर्जी चढ़े रही हूँ जी, फेल के फर्जी चढ़े रही हैं। तुम लोग ना मेहनत को ना मिल रहा मौके पर पहुंचे नितेश भारद्वाज पत्रकार ने न्यूज कवरेज की तो लॉकडाउन के बारे में बताया। कुछ मनरेगा औरतों ने पत्रकार को एसटी एक्ट लगाने की धमकी दी और बोला जिसको बुलाना है बुला लें, हम जिलाधिकारी और एसडीएम को नहीं जानते, यहां बिना मास्क के काम होगा, देखते हैं कौन रोकता है। मौके पर नितेश पत्रकार ने एसडीएम व बीडीओ ब्लॉक को फोन लगाया लेकिन फोन नहीं उठा। उसके बाद मंजुल से बात हुई, फिर भी उन्होंने बोला रोजगार की जिम्मेदारी से मेरा कोई मतलब नहीं, योगी सरकार के नियमों से हो रहा खिलवाड़, यूपी सरकार का कोई फर्क नहीं पड़ता दिखाई देता, आम जनता पर दिन पत्रकारों को दी जा रही है धमकी, एसटी एक्ट पर धमकाया जाता है। जैसे आप आए हो यहाँ पे तो काम मिल नहीं रहा है, फिर भी भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। कासगंज ब्यूरो चीफ नितेश की रिपोर्ट।